अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद फैसल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई रेसिपी। देखिए मैं आज कीमे की कैसे प्रोसेसिंग करता हूं। तो आप ये देखिए कि इसमें आप दो प्याज लिए, हमने कटिंग कर लिया, पहले से ऑलरेडी कटिंग कर लिया क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं रहता नहीं, थोड़ा वक्त निकाल करके हम अपना काम को फटाफट करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हमने प्याज को कटिंग करके इसे थोड़ा रेड कर लें आप। अब इसे आप रेड होने दीजिए मिनिमम 5 मिनट। ये 1 किलोग्राम का हमने कीमा बॉयल करने के लिए छोड़ दिया है और ये कम से कम 10 से 15 मिनट तक का बॉयल होगा, जब तक का बॉयल होता है। और मैं आपको ओने भी दिखा दे रहा हूँ इस साथ में। तो हमने पहले दो प्याज लिया था, कटिंग कर लिया और अभी रेड हो रहा है। कीमे को हमने पूरे अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद बॉयल करने के लिए छोड़ दिया है। 10 से 12 मिनट तक का प्रोसेसिंग है। तो मैं आपसे मिलता हूँ 10-8 मिनट के बाद। अब प्याज रेड हो गया तो हमको गार्लिक का पेस्ट जो है हमको 4 स्पून इसमें डालना है। ये हमने पहले ही से पेस्ट कर लिया है, ग्राइंडर कर चुके हैं। अरबिक मसाला 1 स्पून है। अगर आपके पास अरबिक मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें हल्दी का पाउडर डालें 1 स्पून। अब ये रेड चिल्ली, लाल मिर्ची का पाउडर 1 स्पून, नमक जो है स्वादानुसार आप डालें 1 स्पून से थोड़ा कम। अब इसे हमें पूरा अच्छे से ग्राइंडर करना है, मिक्स करना है। देखिए कितना अच्छा मिक्सिंग हो रहा है। थोड़ा सा इसमें पानी की ज़रूरत है। अब इसे थोड़ा कुछ टाइम तक के लिए इसे पकने दें। बाद में बॉइल करें। ये कीमा पूरे अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है तो हम इसको साइड में रख दिए हैं। अब जब हमारा मसाला बनकर पूरे अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा तो मैं आपको अगला स्टेप दिखाता हूँ। अब भी ये हमारा कीमे का जो मसाला है वो अच्छे तरीके से पूरा रेडी हो चुका है। तो आप देखें, अब इसमें हमको कीमा को ऐड करना है जो हमने कीमे को बॉयल किया था। आराम से स्लोली इसको थोड़ा चला लें। कीमे में पूरा मसाला भून जाना चाहिए। ये चिकन का कीमा है, ये पूरा ग्राइंडर करके पीसना पड़ता है। और यहाँ पे तो एक मशीन होती आती है, इसमें हम लोग पीस लेते हैं इसमें। अब हमें इस ग्रीन पीस को ऐड करना है। अगर आपके पास ग्रीन पीस फ्रोज़न आइटम नहीं हो तो आप एकदम फ्रेश भी इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमको पूरा फ्रेश नहीं मिलता है, इसके लिए ये कलर थोड़ा डल लग रहा है आपको। ये ग्रीन पीस है, हरी मटर जिसे बोलते हैं। इसमें आराम से इसे चलाएं, ज़्यादा रफ्तार से ना चलाएं, ये टूटने का बहुत ज़्यादा डर होता है और जब टूट जाएगा तो इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। देखें कितने आराम से इसमें स्लोली चला रहे हैं और जैसे जैसे ये पक रहा है वैसे वैसे इसका टेस्ट भी बढ़ रहा है। भूख भी आपको भी आ रही है, हमको उससे ज़्यादा आ रही है। ये जो कीमा आपके सामने हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर इसकी बहुत मांग करते हैं और मेरी ही शॉप पे नहीं, बहुत सारे शॉप पे कीमा की जो चिकन का कीमा जो होता है वो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। बस इसकी बनाने की एक रेसिपी हर आदमी का अलग अलग कला होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जाता है। मैंने आपको अपने वीडियो में पूरा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चिकन का जो कीमा होता है वो बनता कैसे है और कैसे रेस्टोरेंट कैफेटेरिया में यूज़ किया जाता है।
तो मेरे भाई, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसी हमारा पूरा वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। बस आपका प्यार बहुत अच्छा है, मिलता है। अभी ये पूरा 5 से 6 मिनट तक का बॉयल होएगा, फिर मैं 5 मिनट के बाद आपको वीडियो दिखाता हूँ कि हमारा चिकन कीमा कैसा रेडी हुआ है। हाँ ओके, ये मेरा कीमा, अभी चिकन का कीमा अभी बन करके पूरे अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। ये मेरी पूरी प्रोसेसिंग है, देखिए कितना अच्छा और कितना ग्रेवी और कितना सॉफ्ट महसूस हो रहा है इसमें। ओके भाई, शुक्रिया।